तो गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग बहुत ही ख़तरनाक चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे सामने है बहुत ही ख़तरनाक वाला टेक्चर पैक, जो कि मेरे पीसी के अंदर भी है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर क्वालिटी कम है। लेकिन भाई कोई नहीं, चल जाएगा अपने को। अपने को देख सो भाई इतनी बढ़िया तो क्वालिटी मिल रही है। और भाई देखो यार क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कतई ओपी लग रही है। तो गाइस अगर आपको ये पैक चाहिए होगा तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि भाई स्टेप्स जो है भाई कतई हार्ड है, तो इसलिए पूरा एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी हुई है एक पैक की, तो आपको जो वो पैक है आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। आपको गूगल के अंदर जाके इंस्टॉल कर लेना, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बता दूँ कि फिर आपको करना क्या। ओके, तो गाइस डाउनलोड होने के बाद आपको जेड आर्चीवर के अंदर ओपन कर लेना है इसको एक्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ से आपको सिंपली ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसको। ओके, तो बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद आपको जाना है अपने गेम्स वाले फोल्डर में, फिर उसके बाद कॉम डॉट मोजांग के फोल्डर में, फिर उसके बाद गाइस आपको सीधा जाना है अपने रिसोर्स पैक के अंदर। और रिसोर्स पैक के अंदर जाके आप नीचे में आपको एक्सट्रैक्ट का बटन दिख रहा होगा, उसको सिंपली ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। बस यार इतना तो आपका काम हो गया। फिर उसके बाद आपको करना क्या रहता है, सीधा आपको माइनक्राफ्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है अपने। तो देख सकते हैं मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपको भी वही स्टेप करना है जो मैं करती जा रहा हूँ। तो सीधा भाई आपको माइनक्राफ्ट का ओपन कर लेना अपने। तो ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा सीन होगा, फिर उसके बाद आपको दिखाएगा इंपोर्ट स्टार्टेड, फिर उसके बाद इंपोर्ट सक्सेसफुली भी हो जाएगा। तो वही मतलब सिंपल है। और इंपोर्ट होने के बाद फिर गाइस जैसे आपको क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्रिएटिव भी कर लेना है, क्योंकि यार क्रिएटिव के बिना आपको समझेगा थोड़ी ना कि पैक लगा हुआ है या फिर नहीं। तो ऐसे सिंपली जो रियलिज्म पैक है इसको ऐसे सिंपली एक्टिव कर देना है। तो बिहेवियर पैक के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही इसमें आता है रिसोर्स पैक के अंदर। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट वर्ल्ड कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप थी भाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने मतलब कितनी आसानी से आप लोगों को बता दिया कि आप लोग RTX का पैक कैसे ला सकते हो अपने माइनक्राफ्ट के अंदर। और देखा आप लोगों ने, और ये पैक बिल्कुल भी लैग नहीं करता। तो जैसे कि मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ गेम चालू करके, मतलब अभी देखो भाई इंस्टॉल अपना लोड हो रहा है वर्ल्ड। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो मतलब टेक्चर पैक जो अपना लग चुका है। आप चाहो तो इसके अंदर शेडर पैक भी मिक्स कर सकते हो, या डिपेंड करता है आपके फ़ोन के ऊपर कि उसकी कैपेसिटी कितनी झेलने की। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर हम लोग के जो ग्राफिक आ चुके हैं। तो गाइस आप बताओ कि अगली बार मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है जल्दी से करना इस वीडियो को लाइक, और इसी के साथ इसे चैनल को भी करना सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।